बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और प्रदीप सिंह, अब यहाँ पर आपके तजुर्बे का इस्तेमाल करना चाहूँगा, उसे थोड़ा खंगालना चाहूँगा। ये तमाम जो हमने नेताओं के नाम लिए, कौन बनेगा मुख्यमंत्री भाई राजस्थान में? वसुंधरा नहीं तो गजेंद्र सिंह शेखावत, नहीं तो बाबा बालकनाथ या अर्जुन राम मेघवाल, ऑब्वियस से नाम सामने आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान नहीं तो प्रहलाद पटेल, प्रहलाद पटेल नहीं तो कैलाश विजयवर्गीय या बीडी शर्मा, ये नाम आ रहे हैं। और वही हाल कहीं ना कहीं कमोवेश थोड़ी कम तादाद में, लेकिन वही अरुण साहब हो जाएंगे जी या ओपी चौधरी हो जाएंगे, छत्तीसगढ़ का हाल है। पर बीजेपी की रणनीति क्या है और वो सरप्राइज कितना बड़ा सरप्राइज हो सकता है? क्योंकि दरअसल जो हम बातें कर रहे हैं ये विचार या विमर्श ही है, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ होने वाला है क्या इन तीन राज्यों में मुख्यमंत्री के पद को लेकर? नहीं देखिए, अब आउट ऑफ द बॉक्स आप किसको मानेंगे इस पर निर्भर करता है और कौन होने वाला है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तार्किक आधार पर और तथ्यों के आधार पर मैं अपना एक विश्लेषण दे सकता हूँ। एक बात निश्चित लगती है जो मुझे, कि जो भी बनेगा मुख्यमंत्री वो विधायकों में, ये जो सांसदों के नाम आ रहे हैं इनमें से कोई जो है कहीं रेस में भी नहीं है दूर दूर, केवल ये मीडिया में नाम चल रहे हैं, जो विधायक चुनकर आए हैं उन्हीं में से बनेगा। दूसरी बात, आउट ऑफ द बॉक्स अगर आप कहना चाहें, बीजेपी 2018 में जो पीढ़ी परिवर्तन से, नेतृत्व परिवर्तन से चूक गई थी, उस गलती को सुधारना चाहेगी 2023 तो, और तीनों राज्यों में वैसे तो चाहेगी परिवर्तन, लेकिन मुझे लगता है कि चेंज विद कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए हो सकता है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान बने रहे और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नेतृत्व का परिवर्तन, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान दोनों जगह पर हो तो सकता ये जो है हो सकता है कोई महिला हो, दोनों जगह पर हो सकता है। जिस आप कह रहे हैं महिला आरक्षण विधेयक पास कराया है, चेंज विद कंटिन्यूटी, चेंज विद कंटिन्यूटी तभी होगा जब शिवराज सिंह चौहान बने रहे और उनको हटाने का कोई बड़ा कारण नहीं। 2018 का चुनाव जरूर हारे थे लेकिन कुछ सीटें कम हुई थी, वोट तब भी ज्यादा मिले थे, और अब जो जीत मिली है उसमें ये नहीं कह सकते कि शिवराज सिंह चौहान का कोई योगदान नहीं है। ठीक है, ये प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, सामूहिक नेतृत्व में लड़ा गया और ये मैंडेट एक तरह से प्रधानमंत्री की पार्टी का है, लेकिन उसमें शिवराज सिंह चौहान का भी योगदान है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में शायद, मैं केवल अपना अनुमान बता रहा हूँ, मुझे कोई जानकारी हो, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तय है। वसुंधरा राज्य की जहां तक बात है, उठा सकती है, चैलेंज कर सकती है भारतीय जनता पार्टी में किसी राज्य इकाई के किसी नेता की इतनी राजनीतिक हैसियत नहीं है वो राष्ट्रीय नेतृत्व को चैलेंज कर सकती है, वसुंधरा राज्य की तो बिल्कुल ही नहीं है। जो जो, जो जिस तरह की राजनीति उन्होंने पिछले 5 साल की है उसके बाद उनको टिकट मिल गया, मैं मानता हूँ कि पार्टी की यही बहुत बड़ी जो है वो उनके प्रति एक तरह से कहे सम्मान दिखाया है कि उनको विधायक का टिकट दिया, विधानसभा का टिकट दिया, क्योंकि जिस तरह से सचिन पायलट की बगावत हुई थी उस समय अगर वसुंधरा राजे सिंधिया ने मदद की होती, साथ दिया होता पार्टी का, तो शायद 2020 में ही सरकार बन गई होती। उसके बाद अगर वो उम्मीद करें कि पार्टी उनको मुख्यमंत्री बना देगी 18 में हराने के बाद, 20 में इस तरह की भूमिका निभाने के बाद, तो ये तो मतलब सातवें आश्चर्य से भी बड़ा आश्चर्य होगा। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि चेंज होगा, और अगर वो थोड़ा करने नहीं, इसमें जो आप वसुंधरा का आपने जिक्र किया, वसुंधरा भी परिपक्व राजनेता हैं और वो ये भी जानती होंगी, इतिहास वो भी जानती हैं, उमा भारती हो, कल्याण सिंह हो, शंकर सिंह वाघेला हो, पार्टी से वो बगावत करके कुछ झंडे नहीं गाड़ पाए थे, उन्हें वापस लौट कर पार्टी में ही आना पड़ा। खैर शंकर सिंह वाघेला तो नहीं आए, ऐसा है कि बीजेपी एक कैडर जी बोलिए, नेता की ताकत तभी तक है जब तक वो पार्टी, वसुंधरा राजे से जो 70 विधायक मिलने गए
वो तभी तक जब तक वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य है। आप देखिए कल्याण सिंह जैसा कद्दावर नेता छह विधायक नहीं गए उनके साथ, केशुभाई पटेल गुजरात के सबसे बड़े नेता चार विधायक नहीं गए उनके साथ। तो ये कैडर बेस्ड पार्टी में कैडर और संगठन जो है नेता बनाता है, नेता जो है पार्टी को नहीं बनाता। तो जब तक पार्टी के साथ है तब तक बहुत ताकतवर है, पार्टी जैसे ही छोड़ते हैं कैडर साथ छोड़ देता है, उसके बाद वो जमीन पर आ जाते हैं। तो वसुंधरा राजे सिंधिया को ये पता है। दूसरा, वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ एक और समस्या है, उनको अपने बेटे का पॉलिटिकल करियर भी देखना है, उसको भी स्थापित करना है, उनको तय करना है कि उनको अपने पॉलिटिकल करियर के बारे में सोचना है या बेटे के बारे में भी सोचना है। और उनको मालूम है कि जिस तरह का रवैया आपके हाईकमान का है उसमें एक परिवार से दो लोगों को आगे बढ़ाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो अगर वो कोशिश करेगी तो उसका नुकसान सीधा उनके बेटे को होगा। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं आने वाली है, कोई भी सांसद मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है। उसके अलावा कौन होगा, कोई सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है, जो दिबांग जिसकी बात कर रहे थे मैं उससे असहमत नहीं हूँ, बिल्कुल हो सकता है कि जो नाम चल रहे हैं हो सकता है उनमें से कोई ना हो, कोई और तो चेंज विद कंटिन्यूटी होने वाला है, यानी कि बदलाव भी होगा और निरंतरता भी कायम रहेगी। ABP News आपको रखे आगे।